और भी मजेदार टॉपिक हम ठीक हाँ काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हाँ चलो रील्स में आपको पहला कॉन्सेप्ट समझना है कि सोर्स ऑक्सीलेट करेगा और डिस्टरबेंस इसके चारों तरफ मतलब जहां भी मीडियम होगा इसके जो डिस्टरबेंसेस हैं आर कैरीड बाय मीडियम। ये मीडियम उन डिस्टरबेंस को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेगा। तो हम वन डायमेंशनल वेव की बात करें तो ये समझिए कि एक थ्रेड था इसमें वेव है और ये किसी ट्यूनिंग फॉर्क से मान लो अच्छे समझे गए कि आखिरकार ये डिस्टरबेंस करेगा कैसे। ये ट्यूनिंग फॉर्क से टाइटली बांध दिया मैंने और ट्यूनिंग फॉर्क भी अच्छा खासा अंदर तक बंधा हुआ है, ये फील आया। अब मैंने क्या किया इस ट्यूनिंग फॉर्क पे कुछ इस डायरेक्शन में हिट कर दिया तो मैंने यहां से लिया और ऐसे हिट कर दिया तो ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। पहले बिना रस्सी के ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराओ, इमेजिन करो कि ट्यूनिंग फॉर्क समझते हो। तो ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा था, इसको इसकी प्रॉपर्टी ये होती है ट्यूनिंग फॉर्क की कि आप कितनी भी जोर से मारो इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। जैसे अगर इस पर 512 हर्ट्ज लिखा है तो आप इसको कितने भी स्पीड से मारोगे कैसे भी मारोगे फ्रीक्वेंसी रफली यही आएगी। मतलब अगर ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने हिट किया और उसको ऑक्सिलोस्कोप में देखूं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ऑक्सिलोस्कोप वो बताता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी। तो हम जब बोलते हैं तो ऐसा है, जब हम बोलते हैं तो ये कुछ ये समझ गए, ये इसे ऑक्सिलोस्कोप कहते हैं कि हम किसी रिकॉर्डिंग में चेक कर रहे हैं कि ये तो ये कई वेवलेंथ है, कई फ्रीक्वेंसी है, कुछ तो भी एम्पलीट्यूड है। लेकिन जब ट्यूनिंग फॉर्क हिट करके उस रिकॉर्डर के पास रखेंगे तो बड़ा स्मूथ ग्राफ ऐसा वाकई में साइन ग्राफ बनता है। मतलब जो ही उसको पास लाते हैं बिल्कुल सिंगल फ्रीक्वेंसी का साइन ग्राफ होता है, ऐसा बनता है। ठीक है, बस ये जुगाड़ ढूंढी गई जो एक सिंगल साइन फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। जब हम बोलते हैं या नॉर्मल किसी भी साउंड की बात करें तो वह हजारों फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना होता है। तो कई साइनसोइडल कंबाइन होते हैं तब जाके ये बनता है, ये सिंगल साइनसोइडल है। पक्का समझ में आ गया, बस है जुगाड़ ऐसे होता है। हाँ तो देखिए पक्का समझ में आ गया, मतलब अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये साइनसोइडल करेगा, मतलब इसका आंसर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, कितनी जोर से मारा। ओमेगा किस पे डिपेंड करेगा, वो फॉर्क कौन सा है। और फेज वो तो टाइम पे डिपेंड करता है कि आप टी इक्वल टू जीरो पे एक्सट्रीम पे है कि मेन पोजीशन पे है। जैसे फाई अगर जीरो है मतलब मेन पोजीशन पे, पाई बाय टू है मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, नेगेटिव पाई बाय टू नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो ये ज्यादा मैटर करेगा नहीं, अकेली एक वेव की बात कर रहे हैं तो फेज का कोई मीनिंग नहीं है। फेज का रोल तो तभी आएगा जब दो वेव एक साथ पैदा करोगे। ये फील आ गया मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत जरूरी चीज है कि अकेली वेव में हम बॉदर नहीं करेंगे कि फाइव कितना है। जब दो वेव एक साथ पैदा करेंगे तो हमें फाइव से भी बॉदर नहीं करें, डेल्टा फाइव थोड़ा फेज डिफरेंस से मतलब है, क्योंकि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा वो देखना पड़ेगा। सिंगल वेव में फाइव ज्यादा कोई काम का नहीं है। तो ये इसका फंक्शन है, लेकिन क्या है कि इसकी जो वाइब्रेशन है ये वाइब्रेशन आगे ट्रांसफर होंगे, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। हमने दो चीजें यहां याद करनी है, क्या फ्रीक्वेंसी पैदा करनी है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है, कितनी स्पीड से प्रोपेगेट करना है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। अब ये क्यों पैदा करता है, करता है, ये क्यों ले जाता है, ले जाता है। समझ गए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आगे मिलेगा जब हम स्पीड के प्रूफ देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि बस ये मीडियम की प्रॉपर्टी है कि मीडियम डिस्टर्बेंस को आगे ले जाता है, और यहां डिस्टर्बेंस अकेले थ्रेड में है तो ये वन डायमेंशनल वेव है। अब जरा समझिएगा कि इसका फंक्शन ये है, तो यहां से कोई एक्स में जो पार्टिकल होगा आखिरकार ये इससे बना हुआ है तो ये एसएचएम कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे एसएचएम कर रहा है तो ये एसएचएम कर रहा है तो ये भी एसएचएम करेगा। लेकिन इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। बेहतर है वी की जगह मैं सी ले लूं, सी स्पीड ऑफ वेव है, लाइट से मतलब नहीं,
जनरली पार्टिकल स्पीड के लिए हम v यूज करेंगे, वेव स्पीड के लिए c यूज कर रहे हैं, सो दैट कंफ्यूजन कम हो. प्लस फाइव, ये आया समझ में? इसी को इक्वेशन ऑफ वेव कहते हैं. ये मीडियम की प्रॉपर्टी, ये सोर्स की प्रॉपर्टी, और यहां अगर ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय सी एक्स लिखता तो इसी को हम k लिख देते, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो यही हमारा k है. ठीक है, और एक्चुअली यहां से देखें तो ओमेगा बाय सी हमारा k है, और k है 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा है 2 पाई बाय एफ सी, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ. ये इसी को सी टी लिख सकता हूं. अब जरा इस फॉर्मूले को कॉमन सेंस बनाते हैं. सी टी, हर टाइम पीरियड टी बाद ये रिपीट हो जाएगा, तो हर टी बाद इसके डिस्टरबेंस वापस से वही जाएंगे, और हर टी में यहां सी टी का गैप आएगा. हर टाइम टी में ये सी से जा रहा है तो यहां सी टी का गैप आ गया. इसका मतलब टू पार्टिकल सेपरेटेड बाय सी टी, उन दोनों का डिस्टरबेंस एक सा होगा. पहले ये समझिए, टू पार्टिकल्स हैविंग टाइम लैग एन टी, अगर उनके पैदा होने में टाइम इंटरवल टी के मल्टीपल का गैप है तो एक से डिस्टरबेंस होंगे, क्योंकि हर टी बाद इसके डिस्टरबेंस सेम होते हैं, तो हर एन टी के बाद डिस्टरबेंस सेम पैदा होंगे. तो इतने का टाइम लैग अगर हुआ तो पाथ डिफरेंस में एन लैम्डा का गैप आ जाएगा, क्योंकि हर टाइम पीरियड टी में ये सीटी मूव कर जाएगा, और सीटी मतलब लैम्डा, और फेज डिफरेंस में अगर लिखते तो एन टू पाई, और फेज डिफरेंस सेम है मतलब इक्वेशन सेम है. ठीक है, तो पहली चीज हम ये समझे कि इसने डिस्टरबेंस पैदा किए, यहां का फंक्शन ये लिखा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स का फंक्शन चाहिए, वो ये आ गया. ठीक है, ये वन डायमेंशनल वेव है. ऑब्वियसली वन डायमेंशनल की जगह टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल भी हो सकती थी, तो जैसे मान लीजिए ये साउंड का सोर्स है तो ये इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो फिर अगर मुझे यहां का फंक्शन लिखना होता तो ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी, तो आर बाय सी. ये आया समझ में? क्योंकि अगर आपको देखिए वाई डायरेक्शन में निकालना है तो वाई बाय सी करो, एक्स में निकालना है तो एक्स बाय सी करो, और किसी आर में निकालना है तो आर बाय सी करते, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो इससे पता चला कि ये पॉजिटिव आर में जा रहा है, जैसे कि यहां पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है. इसका मतलब अगर मैं लिखूं ए साइन ओमेगा टी प्लस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप बाय सी, कुछ ऐसे प्लस फाइव एटसेट्रा, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? समझ गए, माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो अब हम इसको थोड़ा सुधार के लिख लेते हैं वेव को. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव, तो ये आया y x t, मतलब किसी भी पार्टिकल की जो x पे लोकेटेड है किसी भी टाइम पे उसकी हाइट a साइन k x माइनस ओमेगा t, तो ओमेगा t माइनस k r प्लस फाइव. ये आया समझ में? मतलब ये मूविंग इन पॉजिटिव r डायरेक्शन, और ये y x कॉमा t ये लिखा है, तो ये फिर r कॉमा t होना चाहिए. आ गया समझ में? और इसके साथ एक और लिखना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने लिखा j कैप, इसका मतलब समझिएगा कि वेव ऑक्सीलेटिंग इन j डायरेक्शन एंड प्रोपेगेटिंग इन इन r, पॉजिटिव r डायरेक्शन. पक्का समझ में आया?
तो इसका प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन, अगर प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन लिखें तो प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन क्या है, आर और जे से मिलके बना है। ये समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जो मैं लिख रहा हूं, लेकिन ऐसा आर को मैं कुछ एन लिखता हूं, शायद ये समझ में, और इसको मैं लिखूं कुछ ए वेक्टर, तो ए कैप में जा रहा है। ये प्लेन की इक्वेशन समझ में आई? प्लेन जो ए एन प्लेन लिखना है, ए और एन का प्लेन लिखना है, तो इक्वेशन यही तो होती है, प्लेन परपेंडिकुलर मतलब कंटेनिंग दीज टू, ठीक है। तो इस तरह, तो प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन, अब चूंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें इतनी दिक्कत आनी नहीं है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। एन इसने कहा पॉजिटिव एन में जा रहा है, इसने कहा ए में ऑक्सीलेट कर रहा है, तो ए डायरेक्शन हमारी ये है, ए डायरेक्शन, एन डायरेक्शन हमारी ये है, और ये प्लेन वेव है, और वेव ऐसे जा रही है, आ गया समझ, और वेव की स्पीड सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा बाय की, ये ओमेगा बाय की, तो वेव ऐसे है। ओमेगा बाय की क्यों, ओमेगा क्या है, टू पाई बाय टी, की क्या है, टू पाई बाय लैम्डा, और ओमेगा बाय की क्या है, और वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, यही तो स्पीड है, ठीक है। हाँ होता ही है कि तो टू पाई बाय लैम्डा, अरे पहले भी बताया था यार, दिग्गज नहीं हो, पहले आसान वाला देखो, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये लिखा है, सीधे सोचना, जब जब इसमें टू पाई का चेंज आएगा ये रिपीट हो जाएगा, और इसमें टू पाई का चेंज कब जाएगा, जब जब टी में टी का चेंज आएगा, टाइम में कैपिटल टी का चेंज, इसमें टू पाई का चेंज चला जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू टू पाई बाय टी होगी, तभी तो ये कंडीशन सही निकलेगी कि हर टाइम पीरियड टी बाद वापस से टू पाई का चेंज आ गया, और एक्स टू पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, जब जब एक्स में लैम्डा का चेंज आएगा, एक्स में लैम्डा का चेंज आएगा, एंगल में टू पाई का चेंज आएगा, तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया, या यही इसी को एक्सपांड कर दो, ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय सी, एक्स ओमेगा बाय सी ही हमारा के था, ठीक। तो ये हमारा कुछ इक्वेशन बनी, तो किस डायरेक्शन में जा रही है वो इससे पता चल जाएगा, ठीक है, और किस प्लेन में है ये ऑक्सीलेशन मिल गया, और इन दोनों का क्रॉस लेने पे, मतलब सॉरी, इन दोनों का जो प्लेन बना रहे हैं वो प्लेन हमारा प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू आ गई टू पाई बाय टी, और के की वैल्यू आ गई टू पाई बाय लैम्डा, इसको चाहे तो मैं लिख देता हूं कि आर एन यूनिट वेक्टर, ये आर डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में है, एन डायरेक्शन में, जैसे के एक्स के साथ आई कैप हम नहीं लिखते, अंदाज लगा लेते हैं, के एक्स में आई कैप अंदाज लगा लेते हैं, ऐसे ही इनको कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एन वेक्टर लिख दिया था, इनको कंबाइन करके ही मैंने एन वेक्टर टाइप का लिख दिया था, क्योंकि वेक्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्यों, क्योंकि असली में यहां साइन के अंदर आप वेक्टर नहीं लिख सकते, आप साइन के अंदर वेक्टर लिखना गलत है, तो दरअसल क्या है कि साइन के अंदर के आर लिखते और एक ब्रैकेट में वेक्टर लिख देते कि किस डायरेक्शन में, ऐसे, तो इसकी जरूरत नहीं। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एक्स एट टाइम टी, इसी को इक्वेशन कहते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छा फील आएगा इसमें। एग्जांपल देखिएगा, y इज इक्वल टू 2 mm
sine of 2 pi by 24, yeah, pi by 25 t millisecond minus pi by 6 r I cap plus j cap by root 2 plus pi by 3 k cap r in इसमें एक और लिखना पड़ेगा इन सेंटीमीटर. देखिए ये कंप्लीट क्वेश्चन कुछ इस तरह होता है. क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड की यूनिट बताते हैं कि एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या है. ये पाई बाय 25 टी लिखा है तो टी की यूनिट बतानी पड़ेगी कि टी मिली सेकेंड में, और यहां आर की यूनिट सेंटीमीटर में है और आर की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. कई बार डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जैसे पाई बाय 25 टी माइनस के वाई लिख देते हैं तो अंडरस्टूड है ये डायरेक्शन हमारी जे कैप है. के एक्स लिख दिया तो आई कैप है, ठीक है. प्लस लगा देता हूं. अब जैसे ये था तो सबसे पहले पूछा है वेलोसिटी ऑफ वेव, दूसरा प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन, तीसरा इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल एट r इक्वल टू और प्लॉट इट. अगला स्नैपशॉट ऑफ वेव एट t इज इक्वल टू 5 millisecond. इसको मैं कुछ अच्छा कर देता हूं, 10 millisecond. प्लॉट मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन. अब पहले तो मैं इस क्वेश्चन में रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सीधे ये सोचिए 2 साइन पाई बाय 20 मिलीसेकंड में 10 पे माइनस 3 टी प्लस पाई बाय 6 आर सेंटीमीटर में. सॉरी क्या आया, टी का है मिली सेकेंड में, तो टी की वैल्यू मिली सेकेंड में तो 10 पे माइनस 3 टी. चलो प्लस कितना है पाई बाय 6 इंटू आर इंटू 10 पे माइनस 2 आर प्लस पाई बाय 3. क्यों जबरदस्ती हम कंफ्यूजन पैदा करें. ये आया आंसर एमएम में, ठीक है. ये है. अब अगर पूछा होता पहला पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू पार्टिकल एट आर इक्वल टू 2 एट टी इक्वल टू 5 ये पूछा होता. इसका मतलब कुछ और नहीं, ध्यान दीजिए ये पाई बाय 6 आर है, इसका कुछ मतलब नहीं है, अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ये तो बस एक यूनिट वेक्टर है जो आर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेंथ हमें ये पता है तो आर इक्वल टू 2 पे लोकेटेड है और टी इक्वल टू 5. इसका मतलब सीधे छापना है आपको 2 साइन पाई बाय 20 इंटू 5. लेकिन यहां मुझे ये सेंटीमीटर और ये मिली सेकेंड लिखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब r सेंटीमीटर में हो t मिली सेकेंड में. तो अगर t सेकेंड में दिया है तो आपको मिली सेकेंड में रख के
हजार गुना मल्टीप्लाई करके छापना पड़ेगा। तो ये आया प्लस पाई बाय सिक्स, ये सेंटीमीटर में है आर, इसका मतलब दो सीधे सीधे, इसको यूनिट में कन्वर्ट मत करना क्योंकि ऑलरेडी आर की यूनिट सेंटीमीटर। यहां आया पाई बाय थ्री और आंसर आया मिलीमीटर में, समझ गए। तो ये पाई बाय फोर प्लस टू पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय फोर, ये टू मिलीमीटर, ये आंसर आ गया। आ गया समझ में, सीधे वैल्यू छापी आंसर आ गया। बस वैल्यू छापने में क्या ध्यान दिया हमें कि जिस यूनिट में लिखी थी उसी यूनिट में छापना है। जनरली पूछा भी उसी यूनिट में जाता है, दिया भी उसी यूनिट में होता है, तो दिक्कत होता है। कुछ नहीं दिया तो ऐसा यूनिट मान लेंगे। चलो अब देखते हैं इसमें आंसर्स। वेलोसिटी ऑफ वेव, तो वेलोसिटी आएगी यहां से देखें तो टाइम पीरियड, हर 40 मिली सेकेंड में। मैं टाइम पीरियड सीधे ऐसे सोचता हूं, ये फील आया, जब जब यहां 40 रखूंगा ये 2 पाई बन जाएगा, हर 40 मिली सेकेंड में ये रिपीट हो जाएगा। आपकी मर्जी, ओमेगा को पाई बाय 20 से कंपेयर कर लो 2 पाई बाय टी से, ये बना पाई बाय 20, टी की वैल्यू आई 40 लेकिन मिली सेकेंड, ठीक। ऐसे ही हर 12 सेंटीमीटर पे ये रिपीट हो जाएगा, तो लैम्डा आया 12 सेंटीमीटर या 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो लैम्डा आया 12 लेकिन यूनिट कौन सी, सेंटीमीटर। लेकिन ये बेहतर तरीका सोचने का, जब भी 12 रखूंगा ये 2 पाई बन जाएगा, 40 रखने पे 2 पाई बन जाएगा, मतलब हर लैम्डा के बाद रिपीट होगा तो 12 सेंटीमीटर, हर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होगा 40। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए और वेलोसिटी क्या है, लैम्डा बाय टी, तो 12 बाय 40 सेंटीमीटर पर मिली सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड। 10 पे माइनस 2, 10 पे माइनस 3, 10 ऊपर गया 120, 3 मीटर पर सेकेंड ये आया। लेकिन वेलोसिटी लिखनी है तो यूनिट वेक्टर भी चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ वेव आ गई कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन क्या है, आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2 का नेगेटिव। पक्का समझ गए, ठीक है। तो यहां अगर z लिखा होता तो माइनस के कैप होता, y लिखा होता तो माइनस j कैप होता, ये यूनिट वेक्टर लिखा है चूंकि प्लस साइन है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। चलो प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन, इसका मतलब ये है प्लेन, प्लेन पैरेलल टू कंटेनिंग k कैप एंड i कैप प्लस j कैप बाय रूट 2, ये समझ आया, क्योंकि प्लेन डायरेक्शन को भी कंटेन कर रहा है और इसके ऑक्सीलेशन को, इस प्लेन को ही हम आंसर कहें। तो ये प्लेन है हमारा और ये प्लेन हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये प्लेन आर डॉट इन दोनों का क्रॉस, क्योंकि दो वेक्टर को कंटेन करने वाला प्लेन चाहिए, मतलब प्लेन का नॉर्मल चाहिए। तो इसमें हमने देखा नॉर्मल टू प्लेन एन इज इक्वल टू के क्रॉस आई प्लस जे बाय 2, और ये आ गया आई माइनस जे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जे माइनस आई है कि आई माइनस जे, समझ गया ना, और कोई फर्क नहीं पड़ता ये यूनिट वेक्टर है भी कि नहीं, प्लेन के दो नॉर्मल होते हैं, इसलिए मैंने दिमाग नहीं लगाया कि आई माइनस जे बनेगा कि जे माइनस आई बनेगा। इक्वेशन तो हम आर डॉट एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखेंगे और आर डॉट एन एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये प्लेन है। कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें दिया नहीं है, क्योंकि प्लेन कहीं भी पैरेलल हो सकता था, तो प्लेन यूनिक नहीं मिला है, समझ गए, प्लेन ऐसा मिलेगा। हालांकि मैथ्स का क्वेश्चन ही आएगा नहीं, लेकिन उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि प्लेन मतलब क्या है, कि ये वाला, ठीक है। चलो इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल एट r इक्वल टू 1 प्लॉट इट, अब अच्छे से समझिएगा, ये सबसे की पॉइंट है। अगर मैं r की वैल्यू कुछ भी छाप दूं तो एक नंबर बन गया, ये कॉन्स्टेंट इसके साथ चिपक गया, तो दरअसल r की वैल्यू 1 छापने पे
ये नया फेज आ गया और e sin omega t plus phi, इसका मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. हर पार्टिकल SHM कर रहे हैं लेकिन अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज अलग अलग है. ये फील आया? मतलब सभी पार्टिकल SHM कर रहे हैं, सभी का एम्पलीट्यूड सेम है, सभी का ओमेगा सेम है, सभी का फेज अलग अलग है. एंड टू पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्डा. अगर आर की वैल्यू लैम्डा हो गई तो ये 2π बन जाएगा और दोनों का फेज सेम हो जाएगा. तो दो पार्टिकल जो लैम्डा पे लोकेटेड हैं उनका फेज सेम है, लैम्डा बाय 2 पे लोकेटेड है उनमें पाई का अंतर है, आउट ऑफ फेज है. आया समझ में? इसका मतलब अगर मुझे फेज डिफरेंस चाहिए तो ये पाई बाय 6 डेल्टा आर है. ये समझ में आया क्या हुआ? ये उन दो पार्टिकल का फेज डिफरेंस है, एक पार्टिकल R1 पे, एक पार्टिकल R2 पे. तो R1 वाले का फेज आएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 R1, R2 का पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 R2. तो डिफरेंस कितना आएगा? पाई बाय 6 डेल्टा R. समझ गए? तो जैसे मैं यहां अगर लिख लूं यही क्वेश्चन, फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स एट R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर आता R इक्वल टू 2 और R इक्वल टू 5. तो पाई बाय 6 इंटू 5 प्लस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 इंटू 2 प्लस पाई बाय 3. पक्का फील आया? सही बात है. तो पाई बाय 6 इंटू 3 मतलब आंसर आया पाई बाय 2. मतलब शायद अब आप फील कर पा रहे होंगे कि यही फेज है. अगर जो SHM करेंगे तो यही उनका फेज है. इसका मतलब इक्वेशन ऑफ SHM चाहिए तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया. इक्वेशन ऑफ SHM क्या आ गई? सीधे छापना है R इक्वल टू कितना, 1 यूनिट लिखनी पड़ेगी मुझे सेंटीमीटर. और ये क्या आई? ये आई 2 साइन पाई बाय 20 टी प्लस पाई बाय 2. और ये तो हम जानते हैं कि ये पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पे रहा होगा. ये पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पे है तो इसका फोटो ये आया समझ? ये वाई और टी ग्राफ है उस पार्टिकल के लिए. SHM कर रहा है और टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा पे. अब बस ये पॉइंट और समझना है आखिरकार, ये क्या है? स्नैपशॉट ऑफ वेव. स्नैपशॉट मतलब टी इक्वल टू 10 मिली सेकेंड पे हमने वेव की फोटो खींच दी, मतलब 10 मिली सेकेंड इसमें छाप दिया. और अगर 10 मिली सेकेंड छापोगे तो इस बार ये वैल्यू छप रही है, मतलब ये उसके साथ कंबाइन होगी. इसका मतलब ये वाई और आर के बीच में ग्राफ बनेगा. जब आर की वैल्यू छाप रहे थे तो वाई और टी के बीच में ग्राफ था, अब y और r के बीच में ग्राफ बनेगा. और मैंने कितनी वैल्यू छाप दी? 10. तो ये पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6. और 5 पाई बाय 6 मतलब ये. और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी आर पे डिपेंड करेगी? क्योंकि आखिरकार ये तो फेज है. पार्टिकल की वेलोसिटी तो सिर्फ इन दो का प्रोडक्ट है, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ा कि हम किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं. पार्टिकल वेलोसिटी तो सबके लिए सेम आएगी, मैक्सिमम वाली, और वो ओमेगा ए आएगी. लेकिन कॉशियस रहिए ओमेगा की यूनिट और ए की यूनिट में. ये जब बाहर आएगा तो ये पर मिलीमीटर होगा, सॉरी पर मिली सेकेंड, क्योंकि ये मिली सेकेंड है तो ये पर मिली सेकेंड है, ये mm है. तो ये आंसर आया 2 mm इंटू पाई बाय 20 पर मिली सेकेंड. अच्छी बात है, पाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड.
ठीक है, एक और जरूरी चीज कि जो इक्वेशन ऑफ एस एच एम लिख रहे हैं तो ये गैप टाइम पीरियड के बराबर है। इस वाले में ये जो गैप है वो 40 मिली सेकेंड का है, इस वाले ग्राफ में जो ये गैप है 2 पाई का वो कितने, नहीं ये पूरा गैप 12, ये पूरा गैप ये सेंटीमीटर में फील करो, ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, ये मिली सेकेंड है, ये मिलीमीटर है, क्योंकि वाई और आर टी का ग्राफ है तो ये टी मिली सेकेंड में है, तो ये गैप टाइम पीरियड के बराबर है, यहां पर ये गैप वेवलेंथ के बराबर है। रियलिटी ये है कि ना ये 2 पाई यहां भी नहीं है, ये 2 पाई यहां भी नहीं है, 2 पाई तो इक्विवेलेंट एंगल है, यहां ये टाइम पीरियड है, यहां ये वेवलेंथ है, ठीक है। पक्का सब कुछ समझ में आया क्या हो रहा है, कि सभी पार्टिकल एस एच एम कर रहे हैं, बस उनका फेज अलग है, इसीलिए सबकी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी सेम है, सबका एम्पलीट्यूड सेम है, सबका एक्सीलरेशन भी सेम है, ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक। और इवन शायद समझ गए होंगे हर पार्टिकल की एनर्जी भी सेम है, ये लास्ट चीज समझ गए, हर पार्टिकल की एनर्जी भी सेम है, क्योंकि एनर्जी फेज पे डिपेंड ही नहीं करती, समझ गए, एम्पलीट्यूड तो सबका सेम है, हाफ के ए स्क्वायर। और देखिए कोई भी एक्स और टी का फंक्शन एक वेव को रिप्रेजेंट करता है, एक्स और टी का अगर कोई फंक्शन आ गया तो वो एक वेव टाइप का है, क्यों, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग टाइम पे हाइट है। तो अगर मैंने एक्स की वैल्यू फिक्स कर दी, मतलब मैं एक स्पेसिफिक पार्टिकल की बात कर रहा हूं जो एक्स नॉट पे लोकेटेड है, अब एक्स नॉट फिक्स हो गया तो अभी एक्स का फंक्शन नहीं बचा, ये सिर्फ टी का, तो यहां देखिए वाई टी लिखा है। और अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ये लिखूं तो वी टी इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल एक्स डेल टी, ये समझ रहा है, ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू फिक्स रखना है तो सिर्फ टी इकलौता वेरिएबल है, आया समझ में, तो ये आएगा। अब अगर मैं पूछूं इसी में स्नैपशॉट टेकन एट टी इक्वल टू टी नॉट, तो ये क्या है, वाई एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा टी नॉट, पक्का समझ गए। और अगर मैं इसी में स्लोप ऑफ स्नैपशॉट टेकन एट टी इक्वल टू टी नॉट, तो अगर मुझे इसका स्लोप चाहिए तो शायद समझ गए होंगे पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए अगर आपको कोई कर्व दे रखा है, जैसे मान लीजिए फिलहाल मैं स्टैंडर्ड ही ले रहा हूं, 2 साइन पाई बाय 60 प्लस पाई बाय माइनस पाई बाय 12 एक्स प्लस पाई बाय 3 ये था। तो अब अगर पूछा होता इसका जैसे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसमें मुझे यूनिट जरूर बतानी पड़ेगी कौन सा किसमें, तो ये सेंटीमीटर है ये सेकेंड्स है। अब देखें पहला वेवलेंथ बोलो कितनी है, 24 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड, तो वेवलेंथ सॉरी वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर पूछा होता प्लॉट ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 6 एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या बनता, 2 साइन पाई बाय 60 माइनस पाई बाय 6 यही बनता। अब देखिएगा ये टी सेकेंड्स में, तो जब हम इसका ऑक्सीलेशन प्लॉट करते तो ये ऑक्सीलेशन कैसे प्लॉट होता, टी के साथ ग्राफ बनाना है, और ये हम हमेशा कैसे बनाएंगे, पहले सीधा ग्राफ बना लो, हर 6 सेकेंड में पाई का चेंज आएगा, तो ये लेंथ हमारी 6 के बराबर है,
और हाइट 2 mm के बराबर, तो ये टी के साथ है और टी सेकेंड्स में। लेकिन अब मुझे फेज माइनस पाई बाय 6 का रखना है। यही ग्राफ होता अगर फेज 0 का होता, लेकिन फेज माइनस पाई बाय 6 का है तो ग्राफ पाई बाय 6 पीछे। आया समझ में? ये पाई बाय 6 है, लेकिन हम जानते हैं कि ये लेंथ पाई बाय 6 नहीं है, पाई बाय 6 तो ये एंगल है। तो पाई लेंथ 6 के बराबर, तो पाई बाय 6 लेंथ 1 के बराबर। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं, अगर ये 0 है तो ये 1 है, एक्चुअल ये लेंथ 1 है। अब ये 6 है तो ये कोऑर्डिनेट 7, 13 एटसेट्रा। पक्का समझ गए सेकंड्स में? ठीक। ये छापने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है वैसे, तो ये मैंने मिटा दिया। ये बस मैंने बताया कि पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। अब अगर तीसरे में पूछता मैं इसी में, स्नैपशॉट टेकन एट टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 2 सेकेंड मान लेता हूं, 2 सेकेंड पे, तो इक्वेशन बनती y इक्वल टू 2 साइन पाई बाय 3, सही, माइनस पाई बाय 12x प्लस पाई बाय 3। तो ये प्लस 2 पाई बाय 3 लिखा है, प्लस 2 पाई बाय 3, क्या कोई दिक्कत है? लेकिन ये माइनस हट जाए तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। और ये माइनस हटाने का तरीका, इसी को पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, पाई बाय 12x और पाई माइनस थीटा माइनस पाई बाय 3। यह समझ, इस थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया तो ये पाई माइनस 2 पाई बाय 3 बना। क्या क्या प्लस हो जाएगा? ये थीटा है, पाई माइनस थीटा लिखो, कौन सा? ओके, ये माइनस, हाँ सॉरी वो ध्यान नहीं दिया, प्लस पाई बाय 3। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा, फिर से हम बनाए, तो ये लेंथ 12 सेंटीमीटर है, पक्का समझ गए? ये एक्स है, y, ये हाइट अभी भी हमारी 2 मिलीमीटर है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे ये मिसिंग होता तो हमारा ग्राफ यहां से चालू होता। लेकिन ये एंगल पाई बाय 3 है, एंगल पाई बाय 3 मतलब लगभग यहां कहीं, क्योंकि ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 3 यहां कहीं आएगा। और पाई लेंथ 12 के बराबर, तो पाई बाय लेंथ, क्योंकि ये लेंथ पाई बाय 3 है लेकिन असली में ये लेंथ 4 है, समझ गए? तो ये लेंथ हमारी 4 हो गई, तो ये वाली लेंथ 8, तो ये अगर 0 है तो ये 8 है, ये 20 माइनस 4, समझ गए, 32। सीधे ग्राफ बनाना। तो ये क्या था कि आपको फंक्शन दिया था ग्राफ बनाने, तो आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी बना सकते हो, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं। बस हमने क्या देखा, ये वाई टी कर्व है, ये वाई एक्स कर्व है, तो ये इसका आंसर और ये उसका आंसर, क्लियर? आखिरकार ग्राफ बनानी है, ठीक है। अब अगर इसी में तीसरा पूछा होता मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो ये मैं लिखूंगा डेल वाई बाय डेल टी। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो पाई बाय 6 बाहर आएगा, तो 2 पाई बाय 6 पाई बाय 3, और साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस, पाई बाय 6 टी माइनस पाई बाय 12 एक्स प्लस पाई बाय 3, लेकिन यूनिट क्या है, मिलीमीटर पर सेकेंड। आया समझ? ध्यान देने वाली बात, ये अभी भी x और t दोनों का फंक्शन है, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी है। दरअसल ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया हमें, किसी भी पार्टिकल की किसी भी टाइम पे वेलोसिटी ये रही। आगे समझ? अब जैसे t दिया होता, x दिया होता तो वेलोसिटी मिल जाती, लेकिन हमसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई, पाई बाय 3, और यूनिट ध्यान रखिएगा मिलीमीटर पर सेकेंड। और चौथा मैक्सिमम स्लोप,
on snapshot. तो पहले हमें डेल वाई बाय डेल एक्स चाहिए और ये 2 बाहर निकलता और उसका पाई बाय 12 बाहर निकलता. अब 2 मिलीमीटर है, पाई बाय 12 सेंटीमीटर है. आया समझ में? तो 2 मिलीमीटर पाई बाय 12 सेंटीमीटर. आ गया समझ? बेहतर है पर सेंटीमीटर. ये भी पाई बाय 6 पर मिलीमीटर था क्योंकि मिलीमीटर ये है तो ये पर मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है तो ये पर सेंटीमीटर है, ये तो यूनिट लेस है. चलो तो ये आया, लेकिन स्लोप हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो मिलीमीटर पर सेंटीमीटर की जगह हम इसको 1/10 कर देंगे तो पाई बाय 60. और बाकी तो ये कॉस के अंदर कॉपी पेस्ट है, ये तो एज इट इज आ जाएगा. पाई बाय 60 माइनस पाई बाय 12x प्लस पाई बाय 3, एक्चुअली एक नेगेटिव ही आएगा. और वो नेगेटिव चाहे तो हम पाई बना के अंदर भेज सकते हैं, लेकिन यहां भी लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो मैक्सिमम स्लोप कितना आ गया? पाई बाय 60 मैग्नीट्यूड में, और यूनिट तो है ही नहीं स्लोप की. तो ये पहली चीज कि हमें इक्वेशन दी थी, ग्राफ सोचने थे. तो अभी हमें इक्वेशन गिवन थी, स्नैपशॉट या किसी भी पार्टिकल का ऑक्सीलेशन निकाल दिया. अब इसका जस्ट उल्टा भी पूछा जा सकता है, स्नैपशॉट गिवन होगा, इक्वेशन निकालनी होगी. एग्जाम्पल देखिए, पहला एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे स्नैपशॉट ऑफ रो एट टी इक्वल टू जीरो इज, ये क्वेश्चन में बना है. ये स्नैपशॉट है, ये मान लीजिए 1 यूनिट है. तो ये एक्स है, ये वाई है, ये स्नैपशॉट है. और इक्वेशन मैंने दे दी 1/1 + x². ठीक है, इक्वेशन लिखते समय ऑब्वियसली मुझे, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है कि x सेंटीमीटर में हो, y मिलीमीटर में हो, ऐसे कुछ बताना पड़ेगा कि y कोऑर्डिनेट काय में है, x कोऑर्डिनेट काय में. ठीक है, तो ऐसे कुछ लिखा था. अब इफ वेव इज मूविंग इन x डायरेक्शन, पॉजिटिव x विथ स्पीड 5 m/s. ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव. तो ये जो लिखा है वेव की इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें x तो है, t नहीं है. तो ये दरअसल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का स्नैपशॉट है, मतलब उस इक्वेशन में t इक्वल टू जीरो छापने पे ये बन गया है. तो अब हमें चाहिए, तो इसको हम कैसे फील करेंगे वो देखिएगा. पहले ये इमेजिन करिए, एक रस्सी बंधी थी, रस्सी में ये डिस्टरबेंस था, कुछ देर बाद डिस्टरबेंस ऐसा होगा. पहले ये फील आ रहा है कि नहीं, ये बहुत जरूरी फील आना कि ये वेव ऐसे जा रही है रस्सी में, एक हमने इंपल्स दी ऐसा ऊपर करके नीचे किया, ये आगे बढ़ता है. अब समझ में आया? तो हमने t इक्वल टू जीरो पे फोटो खींची, ये फोटो आई. अब हमने कहा ये इतनी स्पीड से जा रहा है तो बताओ किसी भी टाइम पे फोटो कैसी आएगी. तो बड़ा आसान है, अभी फोटो ये है तो किसी भी टाइम पे ये फोटो सी टी आगे खिसक गई. तो अभी का ग्राफ ये है तो किसी भी टाइम टी का ग्राफ कैसा बनेगा? यही होगा, ये टी का, और ये लेंथ कितनी आएगी? Ct. तो ये अगर f ऑफ x है तो ये क्या बनेगा? f ऑफ x माइनस Ct. क्लियर? तो आंसर कितना आया? फंक्शन है तो y इज इक्वल टू 1/1 + x - स्पीड कितनी है? 5 का होल स्क्वायर. पहले ये समझ रहा है, 5 नहीं लिखा मैंने, 500 लिखा है क्योंकि x सेंटीमीटर में था तो इसमें जो चेंज आएगा वो भी सेंटीमीटर के ही आएगा. दरअसल एक सेकंड में ये 5 m मतलब 500 सेंटीमीटर खिसकेगी, इस ग्राफ के हिसाब से 500 यूनिट खिसकेगी. तो हर एक सेकंड में 500 यूनिट दाएं तरफ खिसक जाएगा. पक्का समझ आया? अब शायद इसमें ये भी समझ में आ रहा है कि इस इंस्टेंट पे ग्राफ इधर जा रहा है, मतलब अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है. क्यों?
अभी ऐसे सोचिए, अभी डिस्टरबेंस ये है, कुछ देर बाद इसी पार्टिकल को डिस्टरबेंस कौन से लेने हैं, ये वाला। तो ये जो पार्टिकल यहां था वो कहां पहुंच गया, ऊपर, और जो पार्टिकल यहां था वो नीचे। तो पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। तो पार्टिकल अपनी जगह ऊपर नीचे हो रहे हैं, डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। चलो वो तो अभी अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पक्का समझ में आया कि हमें एफ ऑफ एक्स दिया था, एक्स कॉमा टी चाहिए, तो रिप्लेस एक्स बाय, तो रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस माइनस वी टी। आ गया समझ में? और इसका दूसरा क्वेश्चन कि इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेशन, ये तो बिल्कुल आसान है, ऑफ सोर्स एट टी इज y इज इक्वल टू, ये भी मैं फंक्शन दे दूं कोई भी, ठीक है, तो ऐसा कुछ कोई फंक्शन होता, ठीक है, किसका ग्राफ बनता है ऐसे, हाँ, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली ये है, ये इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सोर्स एट टी, ये लिखा है। तो इक्वेशन ऑफ वेव, इफ इट इज प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड डायरेक्शन विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या बनेगा, वाई जेड कॉमा टी चाहिए मुझे, जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो जेड कॉमा टी, तो रिप्लेस टी बाय टी बाय टी माइनस जेड बाय सी। सोचो, क्योंकि एक्स को एक्स माइनस वी टी से रिप्लेस किया था, तो टी को टी प्लस माइनस एक्स बाय वी से रिप्लेस करेंगे, तो टी को टी प्लस या माइनस प्लस जेड बाय फोर, वन प्लस टी प्लस जेड बाय फोर का होल स्क्वायर नेगेटिव। आया समझ में? क्योंकि स्नैपशॉट गिवन था, तो एक्स को रिप्लेस करना था तो डायमेंशनली क्या होगा, वी टी, टी को रिप्लेस करना है तो डायमेंशनली टी कब आएगा, जब मैं एक्स बाय सी, और यहां एक्स की जगह जेड आएगा और सी गिवन था 4। यहां मुझे यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे यह लिखना पड़ेगा वेयर जेड इन मीटर, क्यों, क्योंकि 4 अगर मीटर पर सेकेंड में है तो ये भी मीटर में होगा, तभी तो मीटर मीटर करके सेकंड बनेगा। तो यहां जेड मीटर्स में, मतलब सोर्स के ऑक्सीलेशन दिए थे, आगे मूव कर रहे हैं हमें निकालना था, तो ऐसे यहां स्नैपशॉट दिया था, आगे मूव कर रहे हैं, निकाल दिया। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आखिरकार पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, ये फील करने की कोशिश करिएगा। मैं ये पता करता हूं कि ये पार्टिकल जो यहां पर मौजूद है ये क्या कर रहा है, ये अच्छे समझ लो, इंटरेस्टिंग चीज है काफी। ये डिस्टरबेंस इधर जा रहे हैं वेलोसिटी वी से, इसका मतलब अभी फिगर ऐसा है, कुछ देर बाद फिगर ऐसा है, तो ये वाला पार्टिकल कहां पहुंच गया, इधर, कुछ देर बाद फिगर ऐसा है, पार्टिकल यहां पहुंच गया, कुछ देर बाद फिगर ऐसा है, पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये फील आ रहा है। लेकिन इसके बाद फिगर ऐसा है, ये वापस नीचे आ गया, इसके बाद ये ऐसा है और नीचे, इसके बाद ये और नीचे, तो ये फील करने की कोशिश करिएगा कि ये वाला पार्टिकल, ये वेव आगे जा रही है, ये ऊपर जा रहा है, ये वेव आगे जाती गई ऊपर जाता गया, जब ये वेव यहां पहुंची पार्टिकल इधर पहुंच गया, जब ये वेव यहां पहुंची पार्टिकल इधर पहुंच गया, ये वेव इसको क्रॉस कर गई, पार्टिकल नीचे आने लग गया। मतलब ये पार्टिकल अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार ऊपर हुआ है और नीचे आया। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनेगा अगर हम ये साइन ग्राफ के साथ सोचें। अब जरा हम इस पार्टिकल के बारे में सोचते हैं, और वेव इधर जा रही है, तो फील करिए कि अभी वेव इधर है, कुछ देर बाद वेव आगे खिसकेगी, कुछ देर बाद वेव आगे खिसकेगी, जब ये आगे खिसकेगी तो इसको ये डिस्टरबेंस लेना पड़ेगा, फिर कुछ और आगे खिसकेगी तो डिस्टरबेंस यहां कुछ और आएगा नीचे, तो ये अब सीधे सीधे शायद फील हो जाए कि अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, ये वेव इधर जा रही है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है,
जब ये यहां पहुंची ये इधर पहुंच गया, तो जब ये यहां पहुंची ये इधर पहुंच गया, और जब ये डिस्टरबेंस यहां पहुंचा ये वापस आ गया। मतलब जितनी देर में ये डिस्टरबेंस पहुंचा है उतनी देर में ये नीचे आया, ये फील आया। और जब इसका नंबर आया ये ऐसे नीचे आया, जब इसका नंबर आया ये ऐसे नीचे, इसका मतलब वेव आगे जा रही है और ये अपनी जगह ऊपर नीचे हो रहा है, ये वेव ऐसे आगे जा रही है और ये ऊपर नीचे हो रहा है। और जितनी देर में ये पहुंच रहा है उतनी देर में ये, जब ये मतलब इसके पहुंचने का टाइम और इसका टाइम पीरियड कंप्लीट करने का टाइम सेम है, और सही बात है पीरियोडिक मोशन यही तो है। तो ये टाइम क्या है लैम्डा बाय सी, और इसका टाइम पीरियड टी। अब समझ आया कि ये दोनों सेम कैसे हैं, कि लैम्डा बाय सी ही हमारा टी क्यों है, ठीक है। और अलग अलग पार्टिकल की मोशन अलग अलग है। जैसे अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो ये पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर नहीं आया समझ, कुछ देर बाद इसके बगल वाले का नंबर लेना है, क्योंकि ये जब डिस्टरबेंस जाएगा ये यहां पहुंचेगा, जब ये पहुंचेगा ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये वाला पार्टिकल कहां जा रहा है, और ये वाला और नीचे, ये वाला मतलब रेस पे है कुछ देर बाद ऊपर जाएगा, अभी रेस पे है कुछ देर बाद ऊपर जाएगा ये, और दरअसल इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। और शायद यहां समझ रहे होगे इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम है नीचे, और शायद अब आप ये भी समझ पाओ कि यहां से जो a बाय टू पे है वो पार्टिकल जो a बाय टू पे है इसकी वेलोसिटी नीचे ओमेगा a का रूट थ्री बाय टू है, और जो यहां से a बाय रूट टू पे है उसकी वेलोसिटी ऊपर ओमेगा a बाय रूट टू। अब आया समझ में, मतलब हर पार्टिकल अपने आप में SHM कर रहे हैं। तो जरा इन दो पार्टिकल के बारे में सोचिए, ये और ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी से ऊपर, जब इस पे इसका नंबर आएगा इस पे इसका नंबर आएगा, जब इसका नंबर इस पे इसका, तो ये दो मोशन आ रहे समझ में। और इसकी बात करिए, मतलब जो लैम्डा से सेपरेटेड है उनका फेज सेम है, जो लैम्डा बाय टू से सेपरेटेड है वो अपोजिट फेज में, समझ गए। तो सभी का एम्पलीट्यूड सेम है, सभी की फ्रीक्वेंसी सेम है, सभी की एनर्जी सेम है, सिर्फ फेज अलग अलग है। उम्मीद है समझ में आया होगा, मतलब पार्टिकल की इक्वेशन ये है, बस ये फाई क्या है डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ पार्टिकल, आ गया समझ में। ये अलग अलग पार्टिकल के लिए फाई अलग अलग है, तो आखिरकार समझ में आ गया। तो यही हमारा वेव्स का शुरुआत है, यही वेव्स है, ठीक है। तो होमवर्क आ गया, SHM के रिमेनिंग प्लस इसमें वेव्स एंड साउंड, हाँ, पेज 26-27, हाँ 28-29 ऑप्शनल है, पढ़ना हो पढ़ो, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं सभी। और इलस्ट्रेशन 1-5, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, और DCT 1 1-25 माइनस लॉन्गिट्यूडनल इफ एनी। हां DCT 1-25 सभी क्वेश्चन, लेकिन इसमें से जहां लॉन्गिट्यूडनल वेव लिखा हो वो स्किप मार देना, क्योंकि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ट्रांसवर्स है, वेव जाए ऐसी रही है, डिस्टरबेंस ऐसे है, लॉन्गिट्यूडनल कल हम बात करेंगे, आ गया समझ में। तो ये इतना छोटा सा काम करके आना।